गुड इवनिंग सर, ये हमने चने उबाल के रखे हैं, यहाँ आलू और चने उबालने के लिए रखे थे, फिर इसका कुकर लगा दिए सीटी। अभी इसमें 6-7 सीटी आने तक इसको हम उबालेंगे, तब तक हम मसाला रेडी करते हैं। इसमें हम टमाटर, अदरक और हरी मिर्च काट के रखे हैं, इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे, और सब्जी का मसाला ऐड करके इसको ग्राइंड करके मसाला पीस लेंगे। और अभी हम लोग सावन के लिए प्याज लहसुन कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सादा अदरक मिर्चा टमाटर यूज़ करके मसाला बनाते हैं। सावन के बाद फिर प्याज लहसुन यूज़ करेंगे। अभी मसाला हमने ग्राइंड कर ली, और इसमें हम मसाला में हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया और गरम मसाला और चना मसाला ऐड करके मसाला तैयार करेंगे। और अभी हमने जब तक चना सीझेगी तब तक हम इसमें आटा गूंथ लेते हैं पूड़ी के लिए। और इसमें हम थोड़ी सी घी डाली आटा में, 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा अजवाइन हाथ में क्रश करके डाल दी, और थोड़ी सी नमक डालेंगे और आटा को सक करके गूंथेंगे और इसका लोई तैयार कर लेंगे। घी डालने से क्या होता है, पूड़ी थोड़ा सा खस्ते बनता है, और अजवाइन से हमारा जो तेल छना रहेगा हजम होने में मदद मिलती है, इसीलिए हम इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हम लोग आटा सान लेते हैं तब तक। कढ़ाई में तेल गरम करने रखी है, और हमने आटा गूंथ लिया है। इधर हमने सब्जी में नमक डाल दी मसाला में, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं, धीमी आंच में इसको धीरे धीरे मसाला को पकने देंगे। और इसमें हमने आलू जो उबाले थे उसको डाल दिया है। फिर सब्जी को बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे मसाला भूनने तक, जब तक हमारा मसाला भून जाए, तेल निकल ना जाए मसाला से, तब तक मसाला को अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर इस मसाला भून के इसमें हम उबाला हुआ चना डाल दिए, तो हमारा शनिवार का शाम का रात का डिनर का वीडियो है, हमने रात को पूरी और चना बनाए थे। इधर हमारी पूरियां तल रही हैं, हमारे पूरियां फुली पूरियां तल रही हैं, सारे पूरियां हम इसी तरह तल लेंगे।
इधर हमारी सारी पूड़ियाँ तल कर रेडी हो गई और हमारी रात का डिनर बन चुकी। हम सबको साथ में डिनर करते हैं रात को, सब दुकान से आते हैं फिर एक साथ खाते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ डिनर करने, और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।